फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तो हल्ली बाजार का सौदा आज ही होगा, ये काम भी इसी वक्त होना था। आपको उन्होंने रोम के ताजिरों के नुमाइंदे के तौर पर मधु किया है। सरदारी मुबारक हो आपको। अल्लाह के हुक्म से मैं रियासत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तुमने इतना खतरनाक दुश्मन बनाया है कि ना ही तुम्हारा लश्कर और ना ही तुम्हारा बादशाह तुम्हें बचा पाएगा। अर्तुरुल, तुम्हारी मौत साबित होगा हैरिस। अगर आप लोग हिजरत करते हैं तो तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ यहीं पर रुकेंगे। खैरियत हो, इतना जोरदार इस्तकबाल, यकीनन कोई अहम शख्स है। अभी कहाँ है दुमदार? वो इस वक्त हानली बाजार का सौदा करने के लिए गए हैं भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे पाक, अपने मुकद्दस परचम और अपनी तलवार की कसम खाता हूँ, इस नीले आसमान और इस दरखेज जमीन को गवाह बनाता हूँ कि जाल बिछाने वालों और जालिमों को अल्लाह की मदद से नीज तो नाबूद करके दम लूंगा। गद्दारों से इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इंसाफ और रजाए इलाही के रास्ते में मुश्किलात पैदा करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा। जुल्म और इफलास से दो चार लोगों की निजात और जुल्म करने वालों के अंजाम तक हाथ नहीं मानूंगा। गुप्तू कहाँ रह गया हैरिस? उनका यहाँ ना पहुंचना अच्छी अलामत नहीं है मीर हजरत। हालांकि बाजार के सौदे में उनकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा थी। हाँ। अमीर सादतीन, आपको देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ, किले में बहुत अहम उमूर निपटाने हैं मुझे, इसलिए ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकूंगा मैं। ऐसी भी क्या जल्दी है हैरिस, कुछ परेशान लग रहे हैं आप मुझे, जैसे आपने कोई आसेब देख लिया हो। अमीर हजरत, मुआहिदा तैयार है। आला, अब चूंकि जमींदार हैरिस भी जल्दी में है तो गवाहान की मौजूदगी में काम जल्द मुकम्मल किया जाए। अर्तुरुल, मेरा बहादुर बेटा, हम तो समझे थे कि वो हमसे जुदा हो गया, मगर वो तो मुसलसल हालत जंग में था, जहां वो गद्दारों का सर कुचलने में मसरूफ था। हम यहां उसके मकसद को कुचलने में मसरूफ थे,
वालिदा, आप खुद को गमजदा ना करें। सरदार आ चुके हैं, आपकी औलाद सही सलामत लौट आई है। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे वालिदा, आप खुद को कसूरवार मत ठहराइए। आपने अपनी औलाद को दोबारा यकजा करने के लिए इस फैसले की तायद की थी। बेटी, अगर बाजार बिक गया तो अर्तुरुल से नजरें कैसे मिलाएंगे हम? और दुन्दार, वो क्या करेगा? वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, इस तरह खुद को हलकान मत कीजिए। गम के बादल अब छट चुके हैं, और सबसे अहम यह है कि आपका बेटा कबीले वापस आ गया है। आप देखिएगा, अर्तुरुल साहब सौदा होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। बेटी, मैं अपने लिए परेशान नहीं, दुन्दार के लिए परेशान हूं। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है बेटी। अर्तुरुल, मुझे डर है वो उसे माफ नहीं करेगा। वालिदा, अर्तुरुल साहब दुन्दार भाई से कितनी मोहब्बत करते हैं आप जानती हैं। वो अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर खिजा के बाद बहार आती है वालिदा। हमारे लिए भी खिजा के मौसम के बाद बहार का वक्त आ चुका है। मेरी प्यारी बेटी, तुम अपनी जगह डटी रही बहादुरी से। तुम्हें पहचान है सही और गलत की। सरदार की सौजा को कैसा होना चाहिए सबको दिखा दिया तुमने। मेरी बेटी, सरदार की सौजा को क्या करना चाहिए ये आपसे सीखा है। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा। मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें हर गम से महफूज रखे। दुन्दार साहब और बहादुर साहब मुआहदे की रूह से अर्तुरुल साहब के ताजिरों से किए गए वादों और उनके कवानीन के पाबंद रहेंगे। जमींदार एरिस भी इस बाजार में अपने माहिर ताजिरों की मदद से तिजारत को फरोग देंगे ताकि हानली बाजार और तरक्की करे। सबको फायदा पहुंचेगा इसका। मैं अर्तुरुल साहब से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। हानली बाजार में मौजूद ताजरों की मदद से रूमी ताजरों को यहां तिजारत करने पर आमादा करूंगा। बेहतरीन, मामला जल्दी निपटाए।
करेंगे यहाँ। गैर मुस्लिमों के बनाए गए तमाम कवानीन से तिजारत को पाक करेंगे। आम कर दो ये खबर कि लोग खौफजदा ना हो। आज से जुल्म का निजाम खत्म हो गया। अरे वो देखो, अरे सरदार अर्तुरुल आ गए। ये मुआहिदा सबके लिए खैर का वसीला बने, ये सौदा इत्तेहाद को मजबूत करे, तिजारत में बरकत शामिल रहे। खुश रहे बहादुर साहब, मुबारक हो। आपको भी ये सौदा मुबारक हो अमीर हजरत। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप जिंदा और सही सलामत हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये? शायद मुझे दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मजीद वक्त मिला है अमीर सादतिन। हम तो समझे थे कि आप शहीद हो गए, दफना भी दिया था। जिस शख्स को आपने दफनाया था वो मेरे लिए जाल बिछाने वालों में शामिल था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप इतने दिन से थे कहां अर्तुरुल साहब? गुलामों के एक ताजिर की कैद में था मैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का और अब यहां हूं। आला आला, खुश आमदीद। हमने अभी अभी एक बहुत ही अहम मुआहिदा किया है। जानता हूं मेरा भाई दुंदार हानली बाजार का सौदा करने आया है यहां, लेकिन काई से ये बाजार लेने के बाद किसी को बाजार से फायदा हासिल नहीं होगा अमीर सादतिन। इसी वजह से इस मुआहिदे की मेरी नजर में जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुरुल साहब? दुंदार साहब
काई कबीले की मोहर लगा चुके हैं मुआहदे पर, वो भी गवाहान की मौजूदगी में। सरदार बहादुर कीमत भी अदा कर चुके हैं इसकी। जब तक काई की मोहर के साथ ये मुआहदा मेरे पास मौजूद है, आपके अल्फाज की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल, ये आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्तुरुल, इतनी भी क्या जल्दी है बहादुर साहब? लगता तो ऐसा है कि आप अपने बेटे को लेकर मेरी लाश के टुकड़े करने की ख्वाहिश के साथ यहां आए थे। बहादुर साहब, अपनी तलवार नियाम में रहने दीजिए। इस सरजमीन का सरदार आला मैं, हानली बाजार सिर्फ मेरी मिल्कियत है, नहीं बेचना मुझे। या तुम्हारे खून से अपनी तलवार रंग दूंगा मैं, या फिर इताअत करो मेरी। जाफदार कबीले का सरदार बहादुर किसी की इताअत नहीं करता अर्तुरुल साहब। फिर तो मेरी न मानने वाले तुम्हारे भतीजे उराल के साथ तुम्हारी जगह बनती है बहादुर साहब। मुआहिदा फाड़ने की इजाजत इसे कैसे दे सकते हैं अमीर हजरत? असल में तो सरदार आला के खिलाफ आपने तलवार उठाई हुई है अर्तुरुल साहब। इस सरजमीन के सरदार आला हैं। संजार साहब, सिपाहियों को लेकर यहां से फौरन चले जाएं। मैं ये मसला अर्तुरुल साहब के साथ अमन सुकून से निपटाना चाहता हूं, मुनासिब होगा ये इंशाल्लाह। तुरगुत, सिपाहियों, बहुत हो गया तुरगुत। सरदार की वापसी पर मैदान साफ है, ये मत समझना। तुम्हें अपने हर जुर्म का हिसाब देना होगा। बहुत जल्द तुम्हें औकात पता चल जाएगी। बेवकूफ इंसान, बंद करो अपनी बकवास, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं। तुम्हारी क्या औकात है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। ये मत समझना कि यहां तुम जैसे सांप अपनी मनमानी कर लेंगे। जब भाई की गैर मौजूदगी में नहीं करने थी तो
तो आप कैसे करने देंगे? तुम देखते जाओ आप तुम्हारा क्या हल करते हैं। तुम्हें और तुम्हारे सरदार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी दुर्गुत। तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, वक्त आने पर तुम खून में नहाकर हिसाब दोगे इसका। बच्चे हो अभी, अपने जज्बात को काबू में रखो। आइंदा गलत मौके पर तलवार मत निकालना, वरना उसी से तुम्हारा ही सर कलम हो जाएगा और फिर उस वक्त देखेंगे कि खून में कौन नहाता है, तुम या मैं। जरूर देखेंगे दुर्गत, जरूर देखेंगे। अर्तुरुल साहब, आपकी गैर मौजूदगी में काफिलों पर हमले करते रहे लुटेरे। हानली बाजार की हालत अबतर हो चुकी है। रूमी और तुर्क ताजिर दोनों मौशी मसाइल में गिरे हुए हैं। बहादुर साहब, हानली बाजार खरीदना चाहते थे। जमींदार एरिस माहिर ताजिरों को यहाँ तैनात करके यहाँ की तिजारत को फरोग देना चाहते थे, और दुनदार साहब ने भी आखिर तक आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कदम उठाया। इन्होंने ताजिरों की भलाई के लिए काम किया आपके नक्शे कदम पे चलते हुए। इस मामले में आपकी नाराजगी की कोई वजह नहीं अर्तुरुल साहब। इन नामवाफिक हालात में हम रोमियो और तुर्कों दोनों के मफादात के तहफ्फुज के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। आपकी मौत की खबर से काई कबीला कमजोर हो गया, ये था असल मसला। ये कमजोरी तिजारत के लिए नुकसानदेह थी। इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये दोनों ऐसे बाजार को खरीद कर हमारी मदद के लिए तैयार हुए जो अपनी अहमियत खो चुका था। क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में इस सरजमीन पर बदमनी बढ़ गई थी और बाजार का निजाम और तिजारत तातुल का शिकार थी, तो सरदार आला की हैसियत से इसे बहाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जमींदार एरिस, हम बाहमी मुशाविरत के जरिए बाजार के निजाम को दुरुस्त करने पर गौर करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप भी अपने ताजिरों को खुशहाल देखना चाहेंगे। किले आकर इस सिलसिले में बात करूंगा, अभी आप जा सकते हैं। और आपके बारे में बहादुर साहब, कल हानली बाजार में सरदारान का जिरगा मुनक्किद होगा। सरदारे आला पर तलवार खींचने की कीमत चुकाना पड़ेगी आपके बेटे को, और आपका कबीला उसका फैसला जिरगे में किया जाएगा। अपने कबीले के लिए फैसला खुद करता हूं मैं अर्तुरुल सरदार। तो फिर तुम्हारा वो फैसला मेरी तलवार के रहमो करम पर होगा बहादुर साहब। अब तुम जा सकते हो। बहादुर साहब, अपना सोना भूल कर जा रहे हैं। सिपाहियों, संदूक उठाओ। घोड़ा लेकर आओ मेरा। एक दूसरे को मार डालो तुर्को, ताकि हमें छुटकारा मिल जाए तुमसे। तुम लोगों की आपस की लड़ाई में जो बच गया उसे मैं मार डालूंगा। हम जा रहे हैं।
बाजार का निजाम और अमन कैसे तबाह हुआ अमीर सादतिन? आपने इकदाम क्यों नहीं उठाए? ताजरों का माल गस्प करने वाले लुटेरे क्यों दंदनाते फिरते रहे? तो क्या आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं अर्तुल साहब? जिन्होंने मेरे सिपाहियों पर हमला किया वो लुटेरे नहीं ढूंढ सके आप। मेरी गैर मौजूदगी में तुर्क कबाइल को गुमराह होने से नहीं बचा सके। मेरे सिपाही लुटेरों की तलाश में बहुत दिनों से मसरूफ अमल हैं। पकड़े जाने वालों से पूछगछ भी की गई है। आपके और आपके जंगजुओं के साथ जिस किसी ने भी ये किया उनकी तलाश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। दुंदार साहब भी इसके शाहिद हैं। सुल्तान मुअज्जम ने मेरी गैर मौजूदगी में इस सरजमीन का जिम्मेदार आपको बनाया था, क्या किया आपने? शहीदों की कुर्बानियों से जो हानली बाजार हासिल हुआ मेरे भाई को उसे बेचने पर आपने कायल कर लिया। इसे इस सरजमीन पर रोकने के बजाय वापसी का मशवरा दिया। अब यह मत कहिएगा कि आप अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। जिंदा वापस आने की खुशी मनानी चाहिए आपको, लेकिन मेरे फराइज को अपने गुस्से की भेंट ना चढ़ाएं तो बेहतर है। कल आखिरी बार जिरगे में मेरे मेहमान बने, वापस आ गया हूं, इसलिए आपके यहां होने का अब कोई जवाब नहीं है। आइंदा कभी इस सरजमीन पर कदम नहीं रखिएगा। आज से जो शख्स इस सरजमीन का सरदार आला है वो मैं हूं। दुर्गत, अर्तुल भाई का साया ही बहुत है इन्हें सीधा करने के लिए, और वो बहादुर नाम शैतान अब देखते हैं कि अपने कबीले में क्या कुल खिलाता है। असलिहान खातून और तुम्हारे निकाह की तैयारी जल्द मुकम्मल हो जाएगी भाई। तुर्गुत भाई, तुम्हारा निकाह कबीले में इतने धूमधाम से करेंगे हम लोग कि हमारे दुश्मन जल भुनकर राख हो जाएंगे। अर्तुरुल भाई का मुझे हुक्म देना ही काफी है भाई। उनके हुक्म के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाएगा इंशाल्लाह। भाई गलती हुई मुझसे, माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है। अपने खौफ की वजह से हिमाकत करके तुमने हमारे मकसद को पसे पुष्ट डाल दिया। किस तरह माफ कर सकता हूं मैं ये? भाई खामोश, आइंदा मुझे भाई मत कहना। मैं तुमसे और तुम्हारा साथ देने वालों से पूरा हिसाब चुकता करूंगा। तुर्गुत, हुक्म भाई। जल्दी से चावदार कबीले जाओ, असलेहान खातून को बताओ कि जब बहादुर का बाकी कबीला इस सरजमीन पर पहुंच जाएगा तब ही सरदारी के लिए जिरगा मुनक्किद होगा। कल हानली बाजार में तुर्क सरदारान का जिरगा होगा।
असलहान खातून को भी दावत है। उन्हें बताना कि सरदारे आला पर हमला करने वाले संजार की सजा का फैसला कल होगा। उन्हें यह सब मालूम होना जरूरी है। जो आपका हुक्म भाई। शुक्रिया। रास्ता दो मुझे। इंसान तो यहां हो तुम, देखते हैं कहां जाते हो गीदड़। जमींदार हैरिस, मुझे आपको कुछ बताना है। एक अकेला आदमी तुमसे नहीं संभाला गया, आप यहाँ के मुझे क्या बताना चाहते हो तुम? जनाब बहुत अहम बात है। अंदर चलो। कितने भलून इंसान हो तुम एरिस, हर साजिश का हिसाब देना होगा तुम्हें। इसी किले में तुम्हें दफन करेंगे हम। ये खबर जल्द अर्तुरुल साहब को पहुंचानी होगी। अंधेरे से दिन का उजाला निकालने वाले, अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं जो रहमान और रहीम है। लुटेरों के मसले का मालूम हुआ मुझे, ये सब शैतान मलून के चेले हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उनकी साजिशों से बिल्कुल गुमराह ना हो। इस सरजमीन पर आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से हम सब ने मिलकर शैतानों के सब मंसूबे खाक में मिलाए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो कारोबार में बरकत होगी। सरदारे आला के तौर पर मेरा वादा है कि तमाम लुटेरे जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। इंशाल्लाह 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 ऐसा ही होगा। सुल्तान मुअज्जम और मैं आपका सरदारे आला आपके साथ हूं।
आप तहम्मुल और एतिमाद के साथ कारोबार जारी रखें। अर्थुरुल आखिर किस तरह तुम्हारे और उस गुलाम फरोश ताजिर के नरगे से भाग निकला? वो अकेला नहीं था जनाब, उसे बचाया गया है। बचाया गया है उसे? आखिर किसने बचाया? मैं नहीं जानता कि वो कौन थे जनाब, लेकिन लेकिन क्या? वो आम सिपाही नहीं थे जनाब, वो तैयारी से आए थे, माहिर जंगजू थे। आखिर मतलब क्या है तुम्हारी बकवास का? अर्थुरुल को बचाने के लिए कोई बड़ी ताकत सरगर्म है जनाब। अर्थुरुल नहीं जानता कि ये जाल मैंने उसके लिए बिछाया था, उसके ना जानने में ही मेरा फायदा है। उससे अभी मेरी जंग शुरू हुई है, वो बाजार में उसे किसी कीमत पे नहीं लेने दूंगा। नीके से एक माहिर ताजिर आ रहा है, नाम है निको, कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। तुम्हें उसको बाहिफाजत यहाँ लेकर आना है, उसकी मदद से हम बाजार को नकारा बना देंगे। समझ गए? अब अपने आदमियों को लेकर उसे लाने के लिए रवाना हो जाओ, तब तक मुझे नजर मत आना। जैसा आप कहो। दफा हो जाओ। तो भाई जो भी फैसला होगा अल्लाह बेहतर ही करे। कि आखिर फैसला क्या? तुम सही कहते हो। अरे ये नकारा क्यों बज रहा है? अब कौन आ रहा है? अब नकारा क्या है कि कोई नया आ रहा हो? चलो भाई, चलो चलकर देखते हैं। कामयाबी के साथ वापस आ रहे हैं। सही कह रहे हो, इसीलिए तो नकारा बज रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कबीले के सिपाहियों और लोगों, मैं जानता हूं कि आपके दिल दुख और तकलीफ से जख्मी है, लेकिन आप तसल्ली रखें, हानली बाजार आज भी काई की मिल्कियत है। और आप कैसे मुअज्जिज़ीन हैं काई कबीले के, कि मुश्किलात का मुकाबला करने के बजाय अपने मकसद से फरार हो जाने को तरजीह दी? माफ कर दे हमें सरदार, हम समझे कि आप मर चुके हैं। मैं मर भी जाऊं अगर तो मकसद जिंदा रहेगा। यह मकसद रज़ाए इलाही है जो हजारों सालों से है और कयामत तक कायम रहेगा। जब हमारे पैगंबर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस वक्त गम से दोचार होने वाले सहाबा के सामने हजरत अबू बकर ने कुरान की जो आयात पढ़ी थी वो याद रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं,
अब अगर वो शहीद हो जाएं या रहलत फरमा जाए तो क्या मकसद से पीछे हट जाओगे? जो अपने मकसद से पीछे हटा वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अल्लाह उनके साथ है जो उसका शुक्र अदा करते हैं। जिन्होंने अपने मकसद से कभी रूगर्दानी नहीं की, वो जिन्होंने पूरी दुनिया में निजामे इलाही को कायम करना चाहा, और आप लोग, आपने क्या किया? सब जान ले, काई कबीला सिर्फ अर्तुरुल की मौजूदगी से कायम नहीं है। वो जिन्होंने सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबलंदी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, उन पर चाहे जुल्म के पहाड़ टूट जाए, वो कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। मेरा हुक्म है, सरदार दुंदार और उनका साथ देने वाले कबीले के मुअज्जिज़ीन शूरा से बेदखल किए जाते हैं। हमें आपके हुक्म के आगे कुछ भी नहीं कहना सरदार, आपका यहां होना हमारे लिए काफी है। जो हुक्म सरदार। इस बात से सबको सबक लेना चाहिए, जो हमारे मकसद से वफादार नहीं या मुश्किलात का सामना नहीं करते, कबीले में उनके लिए जगह नहीं है कोई। जो यहां से जाना चाहते हैं उनके लिए खुला है रास्ता। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। आपका मकसद हमारा मकसद है। औताक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं दुद्दा, मिलो मुझसे आकर। आपका मकसद हमारा मकसद है अर्तुरुल सरदार। कोई भी हमारे कबीले में फितना बर्पा नहीं कर पाएगा, बेफिक्र हो जाए आप। इस जमीन पे आबाद होना आपका अर्तुरुल की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं, क्या समझ नहीं रहे आप? अपना सामान बांध लो तुम। और फौरन भाई के कबीले वापस चले जाओ। सरदार, अर्तुरुल के हुक्म पर ही अमल किया जाएगा। जो फैसले की हिमायत नहीं करते वो औताक से जा सकते हैं।